नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। तो आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले पारस ने किस तरीके से शहनाज गिल के ऊपर ट्रोलिंग करते हुए नजर आए थे, और पारस ने तरह तरह की शहनाज गिल को बातें बोली थी। क्या बोला था पारस ने? और आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पारस का लाइव वीडियो दिखा दिया था, आपने बड़े सारे डिसलाइक मार दिए थे भाई वहाँ पर। चलिए वायरल, कोई बात नहीं। तो अब ऐसे ही जो हैटर्स हैं वो तरह तरह का उल्टी सीधी बातें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या? क्योंकि उल्टा सीधा ट्रेंड चलना जो है वो शुरू हो गया है। क्या शुरू हुआ है? दरअसल यहाँ पर बात ये हुई है कि पारस ने शहबाज को दे डाली धमकी। क्या ये बात सच है या फिर ये बात झूठ है? तो यहाँ पर दरअसल दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये बात जो है बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पारस ने शहबाज को धमकी दी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हैटर्स की मेहरबानी है, जो हैटर्स तरह तरह का ट्रेंड चलाते हुए नज़र आ रहे हैं और किस तरह की यहाँ पर बातें बोली जा रही है, कभी शहनाज गिल के अगेंस्ट, कभी सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट, कभी शहनाज के अगेंस्ट। अब यहाँ पर भाई को भी साथ में सांधने की कोशिश करी है, और भाई को भी साथ में ये सब बोल दिया है कि पारस ने किस तरह से शहबाज गिल को धमकी दी है। मतलब ये बात बिल्कुल झूठ है, और मैं नहीं चाहता किसी भी गलत वे के अंदर जाएं, तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर कर दूं। कभी आप ये सब जो है वो उल्टा सीधा ट्रेंड चलाना आप भी शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पारस ने शहबाज को धमकी बिल्कुल भी नहीं दी है, और ना ही वो धमकी इन फ्यूचर में, मैं ये मानता हूँ कि वो पारस देगा। हालांकि गलत बोल सकता है, बट धमकी वमकी का कोई ऐसा मैटर अभी सामने कुछ नहीं आया है। और मैंने दो तीन चैनल्स पर भी देखा था, हालांकि मैं यहाँ पर चैनल्स का नाम नहीं लूँगा, परफॉर्मेंस वरना उनका ख़राब हो जाएगा, बट यहाँ पर मैंने चैनल्स पर देखा ज़रूर था कि उन्होंने शहबाज को धमकी दे दी। अरे भाई, ऐसा क्यों ट्रेंड चला रहे हो उल्टी सीधी बातों को लेकर के? या फिर थोड़े बहुत व्यूज़ के चक्कर में आप इस तरह से फेक न्यूज़ उड़ा देते हो, या फिर जो हैटर्स लोग हैं वो न्यूज़ उड़ा देते हैं, ऐसी बातें उड़ाते हुए नज़र आते हैं कि जिससे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बवाल मच जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करो। अगर हैटर्स कुछ देख रहे हो तो यार ऐसा ना करो बिल्कुल भी। क्या अपने बारे में भी आप इस तरह की वीडियोज़ उड़ाते हुए नज़र आओगे? तो भाई यहाँ पर बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। शहबाज को बिल्कुल भी धमकी नहीं दी है पारस छबड़े ने। तो पारस छबड़ा यहाँ पर चलिए कहीं तो सही साबित हुआ। वैसे सही होता नहीं, हमेशा फॉलोवर्स की बातें करता है। चलिए बहरहाल मैं इतनी बात नहीं करता पारस छबड़े की, मगर शहबाज को धमकी बिल्कुल भी नहीं दी है, ये एकदम राइट अपडेट है। और अगर ऐसी अपडेट्स आपके पास आती हैं तो प्लीज़ जस्ट अवॉइड और उसे इग्नोर करने की कोशिश करें। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको पता चल गया होगा। तो लाल, इसमें आपकी राय क्या है? आपने भी ऐसा वीडियोस देखा, या फिर पारस को धमकी वगैरह मिली? कुछ ऐसा वीडियोस अगर आए तो प्लीज़ अवॉइड करें, इग्नोर करें, और जल्दी से हमें नीचे कमेंट करके बताएं, वीडियो लाइक भी कर लीजिए। चैनल पर नए हैं और इनसे जुड़ी अपडेट्स भी पल पल की रेगुलर चाहिए होती हैं आपको, तो जल्दी से करिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।